Gracias.
पुजारी जी कृष्ण मंदिर ममलेश्वर महादेव मंदिर की हिस्ट्री के बारे में आप कुछ बताएंगे। यह प्राचीन भगवान शिव जी को समर्पित प्राचीन बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ पर शिव परिवार से यहाँ पूरा शिव परिवार है जो यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश सहित विराजमान है। गणेश जी है, स्वामी कार्तिकेय जी है और यहाँ 250 ग्राम का गेहूं का दाना भी विराजमान है पांडवों के समय का। यहाँ पर स्थित धुने के बारे में आप कुछ बताएंगे। जी अखंड धुना चला हुआ निरंतर जला रहता है, ये पांडवों के समय से जला है। इसमें विशेष बात यह है कि जितनी भी इसमें लकड़ी जलाते हैं जी, जो इसमें भूति बनती है जी, ये कभी भरता नहीं है ना, इस भूति को बाहर हटाते हैं। इस मंदिर की स्थापना कैसे हुई थी इसके बारे में? मंदिर की स्थापना भगवान परशुराम जी द्वारा त्रेतायु में की गई थी, उनके द्वारा ही पूरे शिव परिवार की स्थापना यहाँ पर की गई। उनकी तपोस्थली रही है त्रेतायु में जी, पांडव यहाँ अज्ञात व्यास में आए थे जी, उनके द्वारा ही यहाँ मंदिर निर्माण किया गया जी। और आपको गेहूं का दाना बताएंगे उसके इतिहास के बारे में कुछ? मैं गेहूं का दाना आपको ये गेहूं का दाना कहते हैं कि पांडवों के जमाने में इतने बड़े आम फसल हुआ करती थी जी। Thank you.